नमस्कार दोस्तों, आज हम चाणक्य के बताए कुछ शत्रु को पराजित करने के बेस्ट तरीके बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शत्रु पर पहला वार करें। ऐसे अपने शत्रु को पराजित करने का बेस्ट तरीका यह है कि कभी उस पर पहला वार हथियार से ना करें। शत्रु को पहले कूटनीति में फंसाएं, यानी उसकी शक्तियों और सहयोगियों को उससे दूर करें। जब शत्रु सब तरफ से अलग थलग पड़ जाए तब उस पर भरपूर वार करना चाहिए। शायद भारत भी इस बार पाकिस्तान के साथ इन नीतियों का पालन करने के मूड में है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की खैर नहीं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के बल पर महाशक्तिशाली नंदवंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की। नंदवंश के राजा धनानंद ने इनका अपमान किया था, लेकिन इन्होंने अपने क्रोध को कभी जाहिर नहीं होने दिया। क्रोध को हथियार बनाकर इन्होंने अपने शत्रु का समूल नष्ट कर दिया। आचार्य चाणक्य की ये बातें हमें ना सिर्फ अपने जीवन में उतारनी चाहिए बल्कि राजनीति और पड़ोसी देशों से कूटनीति में भी चाणक्य की नीतियों का पालन करना चाहिए। तभी अपने शत्रु को धूल चटाकर उसका समूल नाश कर सकते हैं। क्रोध पर काबू रखें। शत्रु का सबसे घातक हथियार होता है उकसाना। शत्रु ऐसा प्रयास करता है कि आपको उकसाया जाए जिससे आपको क्रोध आए। क्रोध में शक्ति और विवेक आधी हो जाती हैं और शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए शत्रु जब आपको उकसाने का प्रयास करे तो कछुए की भांति क्रोध को समेटकर अपने अंदर रख लो और अपनी पूरी तैयारी के साथ वार करो। इसलिए कभी भी शत्रु के उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए बल्कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। लेकिन शत्रु को क्षमा नहीं करना चाहिए। क्षमा करने से शत्रु का मनोबल बढ़ता है। दुष्ट शत्रु का ऐसे करें अंत। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट के साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। सांप का जहर तो केवल उसके दांतों में होता है, बिच्छू का विष पूंछ में, लेकिन दुष्ट के तो अंग अंग में जहर होता है। इसलिए दुष्ट पर कभी भरोसा मत करो। दुष्ट कभी मित्र नहीं हो सकता। दुष्ट के साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे एक विषैले सांप के साथ किया जाता है, यानी उसका फन कुचल देना चाहिए। शत्रु और सांप को ऐसे ना छोड़ें। चाणक्य नीति में कहा गया है कि रोग, सांप और शत्रु इन्हें घायल करके ना छोड़ें। रोग का पूरा उपचार नहीं हुआ तो वह फिर से और प्रभावी होकर उभर सकता है। सांप को घायल छोड़ दिया तो वह और भी घातक हो सकता है। शत्रु अगर घायल होकर बच गया तो वह अंदर ही अंदर बदले की आग में जलता है और फिर हमला कर सकता है। इसलिए शत्रु पर वार करो तो ऐसा कि वह फिर उठ ना सके। भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शत्रुओं से ना करें घृणा। आचार्य की नीति है कि अपने शत्रु से कभी घृणा मत करो। शत्रु से घृणा करने पर आप उसके बारे में सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। आप उसकी केवल कमजोरी देख पाते हैं, ताकत नहीं। इसलिए शत्रु को एक मित्र की तरह देखें और उसकी हर छोटी बड़ी बातों की खबर रखें ताकि युद्ध के हालात में शत्रु के बचकर निकलने की कोई राह ना हो।